दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर स्लिप डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में आपको एल्बो स्लिप डिजाइन के बारे में बता रही हूँ और ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनने वाली है। तो आपको साइज बता देती हूँ, मैंने स्लिप कट कर लिया है और देखिए डिजाइन देने के लिए मैंने ये कपड़ा कट किया है। देखिए स्लिप की लंबाई मैंने 14 इंच ली है और ये तैयार में 12.5 इंच आएगी। ये एल्बो स्लिप है और इस डिज़ाइन को आप 3/4 में भी बना सकते हैं और शॉर्ट स्लिप में भी बना सकते हैं। और देखिए इसकी जो विड्थ ली है मैंने 8.5 इंच ली है। ये 34 से लेकर 36 साइज़ के ब्लाउज में आप अटैच कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल जैसे स्लिप कट करते हैं वैसे मैंने इसको कट कर लिया है और जैसे मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है तो उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और देखिए डिज़ाइन के लिए मैंने जो कपड़ा लिया है वो आपको बता देती हूँ। देखिए 4.5 इंच की चौड़ाई ली है मैंने कपड़े की और इसमें थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है तो ये मैंने 2-3 पीस ले लिए जो कि पहले पीसों को मैं जॉइंट कर लूँगी। तो देखिए जॉइंट हो जाने के बाद ये पार्ट हमारा सीधा रहेगा और देखिए इस तरह से ये उल्टे में यहाँ पे हम इसको सिलाई डाल देंगे और सिलाई डाल के इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर हम इसमें स्लिप में डिजाइन करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया पीस को मैंने जॉइंट कर लिया है और देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टिच डाल दिया है। इसको पलट देते हैं, पलटने के बाद फिर इसको आयरन कर देंगे। तो देखिए इसको पलट के मैंने इसको आयरन कर दिया है, इसको साइड में रख देते हैं। तो देखिए जो स्लीव है जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया था उसको फोल्ड कर दिया है। यहाँ सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो वैसे देखिए हमने आयरन किया था उससे लाइन है, अगर आपके में से लाइन नहीं है तो लाइन ड्रॉ कर लें सेंटर से, जो स्लीव का सेंटर है वो ले लें। तो देखिए इस तरह से मैंने ले लिया है और देखिए डोरी का एक हिस्सा हम यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच कर देते हैं शोल्डर पर। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है, इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि जो डिज़ाइन आने वाली है वो 1 इंच के बाद ही स्टार्ट होगी। तो पहले यहाँ पे हमें सिलाई डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई डाल दी है। अब सिलाई डालने के बाद यहाँ से हम 3 इंच लेते हैं, 3 इंच पे इस तरह से हम मार्किंग कर दिया और 3 इंच को इस तरह से हम यहाँ पे एकदम किनारे पे सिलाई डाल देंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच का स्टिचिंग डाला था सेम उसी तरह। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच डाल दिए और इस पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये ध्यान रखें ये पट्टी हमारी सेंटर में ही रहे। फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई नहीं डालनी है, जो नीचे वाला पार्ट है इस पर सिलाई डालनी है। या तो मार्किंग कर सकते हैं आप या फिर इसी तरह से डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया है और स्टार्ट कर देते हैं स्टिचिंग। तो देखिए यहाँ पे स्टिच डाल दी है और फिर से हम इसी तरह से 3 इंच लेंगे। और इसको यहाँ पे स्टिच डाल देंगे सेम इसी तरह से, कपड़े पे नहीं जानी चाहिए, नीचे ही आना है। तो देखिए जैसे हमने ये स्टिच कर दिया फिर इसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट स्टिचिंग डाल देंगे। इसके बाद फिर 3 इंच लेंगे और फिर स्टिचिंग डालेंगे। इसी तरह मैं ये पूरा तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे पूरी डिज़ाइन तैयार कर दी है। जैसे ऊपर छोड़ा था सेम प्लान हमने यहाँ पे भी छोड़ दिया है। तो देखिए इस तरह से दिख रहा है, अभी हम इसको डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए आपको सेम कलर का धागा लेना है जिस कलर का आपका कपड़ा है। और देखिए ये छोटे मोती लिए मैंने कुछ, और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं शोल्डर से। तो देखिए जो ये डिज़ाइन है हमारी इसको इस तरह से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद यहाँ पर पीछे की तरफ से हम धागा निकाल देते हैं। इसके बीचों बीच में धागा आना चाहिए इस तरीके से। तो देखिए ये धागा हमने इस तरह से निकाल दिया है और आप चाहें तो इसे पहले प्रेस भी कर सकते हैं इस तरह से बिठाने के बाद। और अभी हम इसको इस कोने से यहाँ पे इस तरह से लें क्रॉस में, और इसके क्रॉस में देखिए ये वाला पीस है इसको भी इसी तरह से ले लेंगे। तो देखिए ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पे इस तरह से हुई। और देखिए जो मोती लिए हैं और इन मोतियों को हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे जिससे इसकी फिनिशिंग आ जाएगी।
देखिए, और फिर से इसको दो तीन बार निकाल देंगे हम। इससे क्या है, हमारा ये मोती अच्छे से टाइट हो जाएगा। और इस धागे को हम पीछे की तरफ ले लेंगे। देखिए, इसको मैंने यहाँ पर टाइट कर दिया है, और जो ये धागा है इसको पीछे की तरफ हम लॉक कर देंगे। और सेम धागे को ही हम अभी हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो इस बॉक्स को भी इसी तरह से खोल देते हैं। और सेम इसको भी इसी तरह से करेंगे। और ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनती है, जब पूरा रेडी हो जाएगा बहुत सुंदर लगेगी। तो देखिए, इसी तरह से ये मैं सारी डिज़ाइनें तैयार कर लेती हूँ। देखिए, ये सारी डिज़ाइनों में मैंने ये मोती यहाँ पर स्टिच कर दिए हैं। तो देखिए, जब आप पहनेंगे तो इसका लुक, फिटिंग करने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। ये डिज़ाइन हमारी सेंटर में आ जाएगी। और अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। देखिए, खोलने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। जैसे मैंने बताया, आप फिटिंग कर देंगे तो ये डिज़ाइन जो है हमारी सेंटर में आ जाएगी। तो ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, और आजकल ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसका पूरा लुक दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह से आएगा जो ये डिज़ाइन है, पूरा ये सेंटर में आएगी। और इसमें लेस वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये डिज़ाइन से ही सिर्फ काफ़ी सुंदर लग रही है और काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे आप नॉर्मल स्लिम में फ़िटिंग देते हैं, सेम उसी तरह से आपको इसकी फ़िटिंग करनी है। तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा जब आप इसको पहनेंगे। तो आप इस आसान तरीके से ये सुंदर सी स्लिप डिज़ाइन बना सकते हैं, कुर्ती या ब्लाउज के लिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।